Hello, ladies and gentlemen. This is me, Omar, your host of Triple A TV. And today we are here in Emporium with Madina Ahmed. Madina, how are you? Alhamdulillah. Wonderful, fine. So, you have taken time for me, or 3-4 days we were delaying. No, in fact, I should be thanking you for inviting me, for giving me this wonderful opportunity. Okay, that's fine. अच्छा आज जाना बारिश हो रही है, बहुत ही प्यारा मौसम है, ठंड भी है. ओके मदीना, आप हमें बताएं, आपने फूड क्यों स्टडी किया? आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, व्हाई यू सिलेक्टेड अ डिग्री एंड कैरियर इन फूड? बिकॉज़ पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए. बेसिकली अगर उनको कुछ भी फ्री मिल रहा है, डिस्काउंटेड मिल रहा है, या उनके पसंद का नहीं भी है, इवन वो हंग्री नहीं भी है, दे विल ईट इट. सो लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि यार दिस इज़ अ प्रॉब्लम कि आप खा रहे हैं, और वेट गेन जो है वो प्रॉब्लम है. सो आई वॉन्टेड टू, मुझे बहुत अच्छा लगा इनकी बात सुन के. फ्री में खाना मिल रहा है, हर बंदा खाता ही जाएगा, ओवरलोड करेगा, और अगर उनको डिस्काउंट पे सस्ती चीज़ कोई मिल रही है, दे विल नॉट वेट टू ईट क्वालिटी फूड, दे विल जस्ट क्विकली बाय दैट एंड ईट इट. वो 4-5 दफ़ा दिन में खा लेते हैं आम सी चीज़ें. फॉर एग्जांपल कुकीज़ खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, दही भल्ले खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, बहुत चीप है चीज़ें, लेकिन उनको अच्छा लग रहा है, टेस्ट आ रहा है, टेस्ट. ओके मुझे बताएं, पाकिस्तान वर्सेस टेस्ट, फूड टेस्ट, और उसमें उसका हासिल क्या होगा? वेट गेन. हाँ जी, दैट्स द ओनली हासिल. हाँ जी, मतलब आपने इंग्रेडिएंट्स को नहीं देखा, आपने टेस्ट को देखा, नमक, मिर्च, खट्टा, चटपटा है तो आप खा रहे हो. ओके, जितना ऑयली होगा वो उतना पैलेटेबल होता है फूड. दिस इज अ साइंस के जितना ग्रीजी ऑयली फूड होगा, फ्राइड फूड होगा, प्रोसेस्ड फूड होगा, वो लोग ज्यादा खाएंगे, एंड दैट्स द मेन पॉइंट जिसकी वजह से आपका वेट गेन होता है. उसके ऊपर जो ना खूबसूरत नजर आता है देखने में. अच्छा, मुझे वो भी खूबसूरत नजर आएगा कि एक फिश का स्लाइस हो, एक दो सैलेड के पत्ते हो, और एक जो है ना उसमें हल्की सी चिली सॉस हो, ग्रीन चिली और ऑर्गेनिक, पूरी प्लेट पे वो पड़ा और आपने खा के चले गए, एंड यू हैव ऑलरेडी पेड 2000 रुपये आपने दे दिया उस एक दो स्लाइस के लिए, या फिर आप 2000 में 4 बंदे बिरयानी खा लो. Exactly. ये तो बातें होती रहेंगी फूड के बारे में. आपने कोई क्वेश्चन करना हो मदीना को फूड के बारे में, डू राइट हर, शी विल गिव यू अ प्लान डिस्काउंट प्राइस पे. मे बी डिस्काउंट नहीं, ज़्यादा चार्ज करने लग पड़ी, आई डोंट नो. मुझे ये बताएं कि आप जो है वो कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं, आपने अपनी अर्ली एजुकेशन कहाँ से ली? बेसिकली आई एम फ्रॉम लाहौर, एंड मैंने अपनी जो एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन, आई कम्प्लीटेड फ्रॉम प्राइवेट स्कूल. और बेसिकली मेरा एक एजेंडा है, यू कैन से मेरा एक माइंड सेट है कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मुझे बेस्ट एफिशिएंट मैनर में करना है, लाइक आई वॉन्ट बी एट द टॉप ऑफ इट. सो बेसिकली मैंने स्कूल में मेट्रिकुलेशन में आई गॉट 3rd पोजीशन ओवरऑल. सो फिर मैंने कंटिन्यू किया FSC बिकॉज आई थॉट मेडिकल इज द, लाइक आप कह सकते हैं कि वो स्टिग्मा वाली चीज़ थी, बट माई पेरेंट्स डिडंट फोर्स मी टू चूज मेडिकल. ओके, मेडिकल जो है ना वो मुझे लगता है डिफरेंट पर्सनैलिटी है, बाकी प्रोफेशन से ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, इंसान को डिफरेंट बना देता है. एनीवे, सो आपने इसमें हम इंसान को डील करते हैं. एग्जैक्टली, फ्लश, प्लेइंग विद फ्लश. ओके, आई शुड नॉट बी सेइंग दीस वर्ड्स. एनीवेज, द थिंग इज, आपने FSC की, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी, किस बेस पे, कैसे सिलेक्ट की? बेसिकली जब मैंने अपना FSC कंप्लीट किया था, सो आई स्टार्टेड सर्चिंग आउट जो भी मेरे पास अवेलेबल ऑप्शंस थे. सो आई वाज नेवर इंटरेस्टेड इन बीइंग अ डेंटिस्ट, सो वो मेरी ऑप्शन कैंसिल आउट हो गई. देन MBBS इज टू मेन स्ट्रीम, लाइक बहुत ज़्यादा उसका वो था. देन आई वॉज लेफ्ट टू ऑप्शन, फिजियोथेरेपी और न्यूट्रिशनिस्ट. सो मेरा कभी फिजियोथेरेपी में भी इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ. सो मैंने न्यूट्रिशन पढ़ा. बेसिकली उसमें जो मुझे चीज़ अट्रैक्ट करती है वो फूड होता है. फूड इज़ अ थिंग जो कि आपने डेली खाना है. Exactly. लाइक आप वो खाए बगैर रह नहीं सकते. मुझे जो है ना, मुझे आजकल मैंने काफ़ी लोगों के साथ टॉक शो बनाए हैं, डिज़ाइनिंग, कोई चीज़ डिज़ाइन करो, आर्ट करो, वो अच्छा लग रहा है. और मुझे जो है ना न्यूट्रिशनिस्ट बनना अच्छा लग रहा है लड़कियों के लिए, स्पेशली यू नो लाहौर बेस्ड, यहाँ वो इंटरनेशनल स्कोप भी इसका बहुत है. उसकी वजह यहाँ नहीं है तो आप बाहर जाके. Exactly. और ये लॉन्ग टर्म टिल यू डाई, यू नो, टिल आप लंबा देर काम कर सकते हो अपना, अपने लिए, किसी और के लिए. और ये इसी तरह जिस तरह डॉक्टर है या बिजनेसमैन है वो काम करेगा, या कैब ड्राइवर है वो काम करेगा तो पैसे कमाएगा. और ये इसके लिए ये भी नहीं है कि आपने ऑफिस में जाके परमिशन चाहिए आपको पेरेंट्स की, फैमिली की. आप अपना आराम से काम कर सकते हो,
तो किसी को तंग भी नहीं होगा। सो एग्जैक्टली सेकेंडली मुझे एक चीज़ ये मैं जरूर पॉइंट आउट करूँगी कि लोग समझते हैं कि अगर आपने न्यूट्रिशन पढ़ा है तो आप सिर्फ ह्यूमंस को डील कर सकते हैं, दिस इज़ नॉट द सिनेरियो, क्योंकि आप इंडस्ट्रियल वे में भी जा सकते हैं, लाइक आप फूड टेक्नोलॉजी है, फूड इंश्योरेंस है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, मुझे नेस्ले का क्रेज़ है, तो अगर मैं नेस्ले जाना चाहती हूँ तो मैं वहाँ उनको डिफरेंट फोर्टिफाइड फूड की रेसिपीज और ये सब मैं उनको दे सकती हूँ, सो दिस इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड। हलीब का ऑफिस है वहाँ पे ना, क्या उसे कहते हैं, फिरोजपुर रोड पे, वहाँ पे जरूर जाइएगा, चेक कीजिएगा, दे हैव लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड दे आर कंटीन्यूअसली इंप्रूविंग, यू वांट टू जॉइन दैट कंपनी हु इज गोइंग अपवर्ड्स, रिमेंबर दैट रूल। वंडरफुल। अच्छा तो आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आगे आपके आजकल की एक्टिविटीज़ के बताएं, आज का आपके पहले पाँच दिन वीक के मंडे टू फ्राइडे कैसे गुजरते हैं? Basically, I'm doing a lot of things right now. Yeah, maybe sleeping half day. Sorry. Not at all. Too many things to count, but I like keeping myself busy all the time. And I like trying different things. So, main is with multiple projects mein involved hoon, mostly international. Aur what bilkul different opposite genres hain. जैसे मैं आजकल कंटेंट राइटिंग कर रही हूँ, सो कंटेंट मार्केटिंग है, सोशल मीडिया प्लानिंग है, सेकेंडली मैं आई एम गिविंग डाइट प्लान्स, बाकी मैं एनजीओ के साथ एफिलिएटेड हूँ, दैट इज रिलेटेड टू अफेक्टिंग फाउंडेशन। ओके, वी'ल टॉक अबाउट हर वर्क एक्सपीरियंस इन अ मिनट, या वी'ल टेक अ ब्रेक हियर एंड यू कैन गो ऑन माय इंस्टाग्राम एंड लुक एट माय प्रोडक्ट्स, लेदर प्रोडक्ट्स, दे आर कमिंग अप, लग्जरी ब्रांड है, और उनका भी मैं लिंक दूंगा इंस्टाग्राम का, वी विल बी बैक इन वन मिनट टाइम। कट कट कट। Hi, ladies and gentlemen, we are back here. Me, Umi Khan, your host of Triple A TV, और मेरे साथ मदीना अहमद जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं लाहौर बेस्ड। आपको कोई डाइट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, वेट लूज करना है, वेट गेन करना है, आपने उनको कॉन्टैक्ट करना है, उनका इंस्टाग्राम पता नहीं, इंस्टाग्राम देना है हमने या ईमेल? I am available on both. Both and LinkedIn as well, because I contacted her on LinkedIn. If you need to learn LinkedIn a little bit, yeah, let me know. I might charge you a lot of money for that. Yeah, so we'll continue with that. आपने जो है वो पहला वर्क एक्सपीरियंस किस एज में और कहाँ पे किया, डिग्री के दौरान या कैसे? That was back in my school days. Because I was always interested in trying new things. तो मुझे एक मैं बहुत शुक्र करती हूँ अल्लाह ताला कि मुझ में ये हैबिट है, have that in me, कि मुझे लोगों की हेल्प करने का बहुत शौक है, बट ऑब्वियसली आई वॉन्ट टू बी एबल कि मैं सेल्फ सफिशेंटली लोगों की हेल्प कर सकूँ, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू डू सो। So, फिलहाल देन आई स्टार्ट वर्किंग विद एन NGO, डिफरेंट NGOs, इंटरनेशनल NGOs, नेशनल बेस्ड NGOs. सो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, एंड दैट वॉज मोमेंट आई रियलाइज के आई हैव टू कीप डूइंग समथिंग टू कीप माई सेल्फ बिजी अदरवाइज। वंडरफुल। तो आपने पहली जॉब कब शुरू की, इंटर्नशिप या जॉब किस एज में, कहाँ पे थी? इंटर्नशिप स्कूल, कॉलेज डेज। कॉलेज डेज, ओके। तो कौन कहाँ पे थी, कौन सी कंपनी थी, वहाँ पे क्या जॉब आपकी डिस्क्रिप्शन थी? I was a volunteer for national based chadar, maybe probably I would recommend ki aap please uska bhi link de, because it's very good place to join. Okay. So main Islamabad based charity organization hai, okay. But this in Pakistan. Okay, charity organization ke liye aapne pehli jana formal job ki, dusri job kahan pe ki? As a content writer. और अब जो है आपने न्यूट्रिशनिस्ट की जॉब, अब कहाँ कहाँ पे, किस किस ब्रांड्स के साथ और किन किन लोगों के साथ आपने काम किया है एज अ न्यूट्रिशनिस्ट? एज अ न्यूट्रिशनिस्ट पर्सनली मैं लाइक प्राइवेटली भी लोगों को डील कर रही हूँ जो मेरे सर्कल में हैं, बट मैंने चिल्ड्रंस हॉस्पिटल और नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस, हाँ, जो काम किया मैंने, और जगह भी एक्सपीरियंस किए हैं, बट दीज वर द टू जो कि मेरे बेस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस। ओके, वंडरफुल। तो आपने अपने ऊपर भी कुछ इम्प्लीमेंट किया फूड साइंस, कि आपने वेट लूज किया, गेन किया या आपने मेंटेन किया? नो, नॉट रियली। आपकी जो शार्पनेस है उसका क्या राज है, फेस की शार्पनेस है? शी इज रियली प्रीटी यार, आई मस्ट से दैट यार, अल्लाह ताला ने दिया। ओके, तो ये आपकी स्माइल जो आपकी मदर के साइड से है या फादर के साइड से? प्रोबब्ली मदर, आई गेस। ओह माय गॉड, अच्छा ठीक है, वंडरफुल, लवली चबी। अच्छा आप हमें बताएं, जो हमारे ऑडियंस देख रही है, जो यंग लड़कियाँ लड़के हैं, वो फूड साइंस में, न्यूट्रिशनिस्ट में, ये उसको बनने के लिए क्यों पढ़े, फूड क्या पढ़ने का क्या होगा उनको, और वो क्या क्या सोच के इसमें आए? फर्स्ट तो ये कि जब आप स्टडीज़ कंप्लीट करते हो तो आपका फर्स्ट एम होता है यू वांट अ स्टेबल फाइनेंशियल फ्यूचर, और अगर आप ये चाहते हैं तो न्यूट्रिशन इज़ द फील्ड जिसमें आप, इट्स लाइक नॉट ईजी मनी, बट अगर आपको स्किल आते हैं,
से यू हैव टू डील विद ह्यूमंस व्हिच इज लाइक काइंड ऑफ इजी. सेकंडली इसका इंटरनेशनल स्कोप बहुत है. और थर्ड आई एम हियरिंग इफ यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश अ लिटिल बिट यू कैन लर्न इंग्लिश एंड यू आर फूड स्पेशलिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो आपको ना मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा क्लाइंट मिल रहे हैं जो परमानेंटली आपको जो है ना पे कर रहे हैं फूड के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए. और यूरोप में ऑफकोर्स और जो ओबीज कंट्री है जैसे अमेरिका में बहुत और यूरोप में कुछ ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है उनका. उनको समझ नहीं आ रही अब क्या करें. उनको साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो रहा है कि वो खाते ही जा रहे हैं. एडिक्टेड है वो खाने से. जिस टाइम मैं भी था मैं बंदा डिप्रेस्ड होगा वो खाएगा. बंदा हैप्पी है वो खाएगा. द ओनली सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग इज ईटिंग. हां एग्जैक्टली ईटिंग. वंडरफुल. उसने बहुत अच्छा कहा. जब आप खुश नहीं होते हो ना तो आप समझ रहे होते हो मैं खाऊं. जितना खुश होते हो जितना आपके पास फाइनेंशियल आप जो है ना आप स्टेबल हो रहे होते हो अपना ख्याल रख रहे होते हो पेशेंस आ रहा होता है. और पेशेंस आ रहा होता है. तो मैंने 92 से 68 किया था ओनली लाइक 60 डेज में. और अब मेरा जो है 72-73 हो रहा है. सो आई नीड टू आस्क फॉर एडवाइस हियर. हाउ कैन आई कंट्रोल माय ब्रेन बिकॉज दिस इज मेन प्रॉब्लम विद द ब्रेन. ओके टेल अस हमारे ऑडियंस को बताएं कि उनके लिए मैसेज क्या है आजकल की ज़िंदगी में पाकिस्तान में ज़िंदा रहने के लिए फ्यूचर में काम करने के लिए क्या बेसिक एक दो रूल होने चाहिए लाइफ के. फर्स्ट इज ट्रू टू योरसेल्फ. सेकंड फॉलो योर पैशन एंड बी काइंड टू अदर्स. ठीक है वंडरफुल. आई लाइक दैट. हमारा फूड आ गया है रख दें आप. और इसी के साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे मदीना अहमद से. उनको दोबारा बुलाएंगे. आपने किसी चीज़ के बारे में एडवाइस लेनी हो तो ज़रूर बताइएगा. थैंक यू वेरी मच. चीयर्स बाय. थैंक यू.